यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। गाजियाबाद के राजनगर सेक्टर 9 में आग लगने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आग सेक्टर 9 के फ्लैटों में लगी थी और आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी और इस आग की चपेट में आ गई थी, जो कि जलकर राख भी हो चुकी है। आग लगने के कारणों का अभी तक कारण इसका शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और पीड़ित पक्ष का कहना है कि बिजली विभाग वाले फोन उठा लेते तो इतना नुकसान नहीं होता। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आग बढ़ती चली गई और पुलिस का कहना है कि सूचना मिलते ही आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने से 4 गाड़ियां और 1 मकान जलकर राख हो गया। आग लगने से लाखों के नुकसान की खबर है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग थी, जहां पर आग की चपेट में आने से पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी जलकर राख हो गई।